आशा वर्कर से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जो कि सोलन न्यूज से निकल के आ रही है। सोलन मतलब कि गांव का नाम है, ठीक है। तो जिसमें आपको बता दूं, कोरोना काल में जैसे कि आपको पता है कि आशा वर्कर ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, ठीक है, और बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन देकर लोगों की जान भी बचाई थी, ठीक है। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग के पास जितना भी वेतन था उसको बजट मतलब नहीं बन पा रहा है, ठीक है, जो आशा वर्कर को प्रोवाइड कर सके। इसके कारण ही जिला सोलन में आपको 602 आशा वर्कर जो है महिला, उनको सितंबर वर्ष में उनको मतलब जो पेमेंट मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो नहीं मिला है। बजट की स्थिति यही नहीं मतलब संकट छा रहा है, उनके वेतन मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो है केंद्र सरकार, उसमें आपको बताया गया है मतलब कि बता रहे हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कि ये जो है वेतन का कारण इसलिए बन रहा है क्योंकि अभी उनके पास जो है वो बजट नहीं बन पा रहा है देने लायक, जो वो दे नहीं पा रहे वेतन। देखो भाई, आशा वर्कर जो है अभी फिलहाल अभी ज्यादा काम कर रहे हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड के साथ ही उनकी केवाईसी भी कराई जा रही है। तो केवाईसी कराने का आशा वर्कर जो है घर घर जाकर काम कर रही हैं, वो इस कार्ड को करा रही है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अगर कराया जा रहा है। तो इसके लिए आपको जैसे आपको जो मिलता है जो चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है, उनका ये कहना है। इसके बावजूद भी समय समय पर उनका वेतन होने पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ठीक है, मतलब इसके बीच में सवाल ज्यादा खड़े हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि वेतन क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो भाई जो है स्टेटमेंट वो है कि इनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग का कि हमारा अभी जो है वेतन का बजट बन नहीं पा रहा है, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो अभी फिलहाल पता नहीं कब तक ये सीन चलेगा, तो अभी नवंबर की बात होती है, नवंबर दिसंबर की, अभी फिलहाल देखते हैं कि क्या इस साल हमारे लिए सब कुछ अच्छा दिन चल सकते हैं कि नहीं आशा वर्कर के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये न्यूज जो थी यहाँ से निकल के आई थी सोलन से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।